गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से रिप्लाई करो। मैम आप ठीक हो? मैं 100% ठीक हूँ, पर आपकी दिल्ली की हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है। बारिश देख रहे हो आप, दिल्ली में बाढ़ आ गई है। एक्चुअली सुबह क्या हुआ, जैसे ही मैं कल अपने मतलब रिलेटिव के यहाँ रुकी हुई थी, तो मैं सुबह आने की कोशिश की तो वही हुआ, बारिश हो गई थी और फिर यहाँ पर इंटरनेट का भी इशू हो गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैं भी वेट कर रही थी आपको पढ़ाने का, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। अब 11 बजे पर तो ये हाल हुआ कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। एक्चुअली 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो हुआ ऐसा कुछ कि एक तो मैं घर से नहीं निकल पाई, जैसे कैसे करके मैं पहुँची यहाँ पर, तो यहाँ पर आके पता लगता है कि आपका इंटरनेट भी नहीं चल रहा। तो फिर कैसे ना कैसे करके 12 बजे तक ठीक हुआ। अब जब 12 बजे तक ठीक हुआ, मैम मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में फंसे हैं। हाँ, इसलिए फंसे होंगे क्योंकि 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है दिल्ली में, पानी बहुत भर गया है। हमारे वाले एरिया में तो बहुत हो रही है। चलो, हाँ आपके यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, हमारा भी यही हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा मैम आज लग रहा है बहुत खुश हैं आप। नहीं, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ऐसा नहीं है। बस वो ये है कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ना सीरियसनेस ले आती हूँ अपनी क्लास में, और कुछ नहीं है बच्चा। अच्छा, बेगूसराय से हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा है भैया, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कीजिए प्लीज़। ब्राइटनेस ज़्यादा बता रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा कम कर दीजिए बच्चों के, मान लीजिए। आपका तबीयत ठीक है? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये आसमां पता नहीं कंधे पे होगी। अच्छा ठीक है, प्रोमो कोड के बारे में बताइए। महासंगम बैच में बच्चा प्रोमो कोड नहीं है, उसका 1100 ही अमाउंट है, वही आपको पे करना है। ठीक है, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास का चैप्टर क्या है, तो ध्यान से सुनना। बायोलॉजी स्पेशल वाले और साइंस स्पेशल वालों को एक चैप्टर मुझे कॉमन पढ़ाना था, इसलिए मैंने आपकी क्लास एक साथ लगवा ली, बाकी आपकी अलग अलग ही चलेगी। हाँ, आज होगी बच्चा मेरी यूट्यूब पे भी क्लास होगी, डोंट वरी, है ना। चलो देखो, तो आज की क्लास का हमारा चैप्टर जो है बच्चा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, तो हार्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे परिसंचरण तंत्र। अब देखो बच्चों, क्या मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और हम आज क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम ह्यूमन का हार्ट पढ़ेंगे, आज हम आपके दिल के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी सारे मैम प्रैक्टिस करवाओ क्वेश्चंस की, करवाती तो हूँ प्रैक्टिस, आप नहीं देख रहे हैं क्या वीडियोस। आप प्लीज़ ब्राइटनेस कम कीजिए, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दीजिए ना। चलिए, ये कौन बोल रहे हैं प्रैक्टिस नहीं करवाते हो, प्रैक्टिस करवाती तो हूँ, आप लोग कहाँ रहते हैं प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। हाँ, ब्राइटनेस सही हो रही है, ब्राइटनेस UPSI में भी कोई प्रोमो कोड नहीं, विदाउट प्रोमो कोड आपको अमाउंट पे करना है। एक मिनट, ब्राइटनेस कम कर रहे हैं। ठीक है भी ब्राइटनेस, ये यार मैं तुम मुझे काली दिखा दी है यार, अभी मैं इतनी गोरी लग रही थी, अभी तुमने काला बना दिया यार। चलो अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम क्लास, है ना। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है यार, इनको ना बेटा मेरी बात सुनना एक बार, मेरी बात सुनना प्लीज़ तुषार, ये ना डिजिटल बोर्ड को ना फॉर्मेट मरवाओ सारा, इसके अंदर सारा सामान है वो लेकर तुम्हारा, ये बहुत हैंग कर रहा है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आज भी YouTube पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी 10 से 12, आप लोग ना आना भूलें, बार बार क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग। देखिए 10 से 12 में आइएगा और मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस करवाऊंगी। 10 से 12 क्लास है बच्चा, ठीक है, 10 से 12 आप आ जाना, हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर यूट्यूब पर, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो मैम PDF नहीं मिला केमिस्ट्री का, ओके केमिस्ट्री का PDF कल अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो आप पढ़ाई करते हैं, आप प्लीज़ कॉमेंट नहीं करना। 10 से 12 यूट्यूब पर मिल लेना आपकी क्लास के जस्ट बाद, बाकी आप पढ़ाई करो बस। देखो बच्चा, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। पहली क्लास से पढ़ाते आ रही हूँ,
ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मैंने कहा था जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ते हैं और एक जैसा काम करते हैं तो उन ऑर्गन के सिस्टम, उन ऑर्गन का जो ग्रुप होता है, जो समूह बन जाता है उन ऑर्गन्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी का मतलब है वो ऑर्गन जो सर्कुलेशन का काम करता है, वो ऑर्गन जो सर्कुलेशन का काम करता है, परिसंचरण का काम करता है, परिसंचरण का काम करता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, आज जो हम पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे यहां पर हार्ट के बारे में, हार्ट, और दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। एक हार्ट और दूसरा पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। देखो हार्ट को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हृदय, और ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिकाएं। अब सबसे पहली बात तो मैम, आपने हार्ट को यहां पर क्यों लिखा, क्या हार्ट सर्कुलेशन का काम करता है, क्या हार्ट सर्कुलेशन का काम करता है, परिसंचरण का काम करता है। देखो परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों तरफ, संचरण का मतलब होता है सर्कुलेट होने वाला। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हार्ट कैसे चारों तरफ सर्कुलेट होता है, हार्ट तो भाई मैम एक जगह फिक्स है। देखो हार्ट सर्कुलेट नहीं होता, लेकिन हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट किसको सर्कुलेट करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, रुधिर को। आप देखो कैसे करता है, देखिए बच्चे ध्यान से सुनो, हमारा जो हार्ट है उसके पास इम्प्योर ब्लड आता है हमारे बॉडी में, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर, सब बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए तो हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, उसके पास इम्प्योर ब्लड आता है, देन क्या होता है, हार्ट उस इम्प्योर ब्लड को अपने पास बुलाता है। अब इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, तो जितने भी सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, है ना, और उसके बाद हमारा लीवर हो गया, जहाँ जहाँ पे ब्लड होता है वो ब्लड क्या हमारे हार्ट के पास आता है। उसके बाद क्या होगा, हार्ट उस ब्लड को पंप करके हमारे फेफड़ों के पास ट्रांसफर करता है, हमारे फेफड़ों के पास भेज देता है। फिर फेफड़े क्या करते हैं, उस इम्प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेंगे और ऑक्सीजन को मिला देंगे। फिर वो वापस क्या होगा बच्चा, फिर वो वापस ब्लड हार्ट के पास आएगा, और फिर हार्ट क्या करेगा, जितने भी सारे ऑर्गन से उनके बीच में वापस सर्कुलेट कर देगा। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखो मेरा, आप यहाँ पर एक ही पॉइंट याद रखो कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, जो खून होता है उसकी पंपिंग करता है, या उसमें उसको उसको अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट करने का काम करता है। अब दो नंबर पे आती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो पतली पतली डक्ट, वो पतली पतली नलिकाएं जिनके अंदर हमारा ब्लड ऐसे सर्कुलेट होता है। हमारे बॉडी में ब्लड डायरेक्टली सर्कुलेट नहीं होता है, वो पतली पतली पाइप के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो जो पतली पतली पाइप होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उनको हम रुधिर नलिकाएं कहते हैं, ये हमें पढ़ना है। तीसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड जिसको हम बोलते हैं रुधिर, रक्त या खून, आप कुछ भी बोल लो इसको। अब ब्लड को यहाँ पर क्यों पढ़ा, क्योंकि ब्लड के अंदर भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं और ब्लड उनको सर्कुलेट करने का काम करता है। अगर हम एक लाइन में बोले तो ब्लड हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो बेसिकली हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर एक नंबर हार्ट, अभी हम यहां से हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पॉइंट नंबर वन, मतलब एक नंबर पे आप लिख दीजिए हार्ट, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हृदय, कॉमन लैंग्वेज में हम दिल वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहला पॉइंट हम अब बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम हार्ट के बारे में, हार्ट होता क्या है, उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, फिर आप बताओगे प्रिया साइंस स्पेशल टू में हो चुकी है ये क्लास, तो आप साइंस स्पेशल टू के बच्चे, तो आप यहाँ पर टू तो बहुत पुराना बैच है, वो तो 1.5 साल पुराना बैच है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
ठीक है, तो हार्ट के बारे में स्टडी करना और हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद जो आपका हार्ट है उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर, कौन कौन से डिजीजेज हो सकती हैं, इन सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, टू स्टडी ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी। कहने का मतलब है वो साइंस की ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और जो कार्डियोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने आपके पीजी वगैरह कर रखी होती है किसके अंदर, कार्डियोलॉजी से, तो उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हार्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिख दो, हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। बड़ा ही आपको बता चुकी हूँ कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो एक नंबर पे लिख दीजिए, हृदय एक परिसंचरित अंग है, या हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, सिस्टम नहीं, सर्कुलेटरी ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है अंग, और परिसंचरित, परिसंचरित का मतलब है कि हार्ट जो है वो किसी ना किसी चीज़ को सर्कुलेट करने का काम करता है। अब आप ब्रैकेट में लिख देना कि किसको सर्कुलेट करता है, ब्लड को, खून को सर्कुलेट करता है। कैसे करता है सब पढ़ाएंगे हम, कम से कम मैं 8-10 घंटे पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, एकदम अच्छे से आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, पंप करने का काम करता है। अब पंपिंग का मतलब क्या है, जैसे हमारे घरों में क्या लगी हुई होती है बच्चा, हमारे घरों में जो पानी के टैंक के अंदर मशीन लगी हुई होती है, वो मशीन क्या करती है, जो नीचे पानी का टैंक है उसके अंदर मशीन लगा रखी है आपने पानी वाली, वो उस पानी को उठाएगी और ऐसे अलग अलग टैंकों में ट्रांसफ़र कर देती है। ऐसा का ऐसा हमारा ऑर्गन भी जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। और यहाँ पर पंपिंग का मतलब है ब्लड को अपने पास बुलाएगा और अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में ट्रांसफ़र करेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि किस ऑर्गन को पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं हम, तो आप क्या बताओगे, हार्ट को बोलते हैं। और किसको पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। किसको पंप करता है बच्चा, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट हमें सुनना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है। अमित आप क्यों बार बार कमेंट कर रहे हैं, करवा देंगे हम जो क्वेश्चंस करवाते हैं वो एसएससी एनडीए सीडीएस सबके मिक्स होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जो हमारा हार्ट होता है उसको कहा जाता है मस्क्यूलर ऑर्गन। क्या ऑर्गन कहा जाता है, मस्क्यूलर ऑर्गन। अब मस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे हृदय एक पेशीय अंग है। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब होता है बच्चा ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ किससे मिलकर बना हुआ हो, जो सिर्फ मसल से मिलकर बना हुआ हो, मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ हो, उसको बोलते हैं हम मस्क्यूलर ऑर्गन। ऐसा कोई ऑर्गन जिसके अंदर ना हड्डी हो ना पसली हो, सिर्फ जिसके अंदर मसल्स हो, पेशियां हो, उस ऑर्गन को बोलते हैं मस्क्यूलर ऑर्गन। जैसे एक एग्जांपल और दूं, हमारी टंग, जीभ, जीभ इतनी फ्लेक्सिबल क्यों होती है, आप इसको ऐसे ऐसे कैसा भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जीभ के अंदर ना हड्डी होती है ना पसली होती है, जीभ भी क्या है, जीभ के अंदर भी सिर्फ मसल्स हैं। तो हमारा हार्ट जो है बच्चा इसीलिए सेंसिटिव ऑर्गन माना जाता है, बोलते हैं ना हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर कोई हड्डी वड्डी नहीं है तो वो स्ट्रांग नहीं है बेचारा, उसके अंदर सिर्फ मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं। तो आप याद रखेंगे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे चार ऑप्शन दे, पूछे कौन से ऑर्गन को मस्क्यूलर ऑर्गन बोलेंगे, तो आप क्या बताओगे कौन से ऑर्गन को, तो आप बताओगे वो हमारा हार्ट होता है, पेशीय अंग बोलते हैं। हाँ, जैसे टंग, बिल्कुल सही बोला आपने शिव गौरव। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैम ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है। भाई हार्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन्स का वजन तो होता ही है, तो पूछे आपसे कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट के वेट की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज लिखा जाता है बच्चा 300 ग्राम। आप लिखोगे ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है, वजन होता है, वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम। अब ऑन एन एवरेज का मतलब होता है बच्चा कि इसी रेंज के, इसी के इर्द गिर्द रहता है। अब मैं अगर आपको ये बताऊँ कि आपका जब जन्म हुआ था तब उस टाइम आपके हार्ट का वजन कितना था। कहने का मतलब है इन्फेंट का मतलब होता है जस्ट बोर्न बेबी, है ना, शिशु। ठीक है, तो आप बताएंगे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर्फ 20 से 25 ग्राम का हार्ट होता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो उसका मतलब
अप्रोक्स 300 ग्राम के आसपास रह जाता है। अगर हम इस 300 ग्राम में आप मुझसे पूछना चाहो कि मैम लड़कों का हार्ट का वजन कितना होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। अगर मेल की बात करेंगी बच्चा, तो मेल का मतलब नर मनुष्य, तो उसमें होता है 280 ग्राम से लेकर 340 ग्राम के लमसम, इस रेंज में कितना भी हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो बच्चों फीमेल का जो होता है ना, वो रहता है, ऐसा कहा जाता है, 280 से लेकर 300 ग्राम के बीच में। अगर ऑन एन एवरेज बात करें ना, तो आप 300 ग्राम का ही ऑप्शन लगाएं, ठीक है, 230 से 280 मेल का नहीं लिखना है ना, हाँ 230 ग्राम से 280 ग्राम, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए, 300 ग्राम का दिल। देखो 300 ग्राम इतना सा होता है बेचारा, तो इसीलिए हमारा हार्ट बड़ा ही सेंसिटिव होता है, काम बहुत ज़बरदस्त करता है, लेकिन बेचारे का वज़न इतना सा होता है, और बेचारे के अंदर ना हड्डी है ना पसली है, सिर्फ मसल्स हैं, वही मसल्स काम करती रहती हैं, ठीक है। मैम इन्फेंट जन्म होने से पहले का वेट 25 ग्राम है, नहीं बच्चा देखो इन्फेंट का मतलब है जैसे ही बच्चे का तुरंत जन्म हुआ है, जैसे ही बच्चे का तुरंत जन्म हुआ है उसको बोलेंगे कल्पना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमें वेट की पता लग गया कि वह वेट कितना होता है। मैम फीमेल का हार्ट वीक होता है क्या? देखो फीमेल का हार्ट वीक नहीं होता, लड़कियों को बहुत कम हार्ट अटैक आते हैं, सुना होगा आपने, लड़कों को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैसे बोल सकते हो आपकी लड़कियों का हार्ट कमज़ोर होता है, नहीं ये बात अलग है, ठीक है। ये कह सकते हैं लड़कियों का, अरे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, आप जब पढ़ते हैं ना कि लड़का लड़की के ऑर्गन्स का वज़न अलग अलग निकल रहा है, पता है वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चा ये आपके ऑर्गन्स का जो वेट होता है ना, वो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली लड़कियों का वज़न थोड़ा सा कम होता है, तो उनके बॉडी ऑर्गन्स का वेट थोड़ा सा कम होने लग जाता है, और लड़कों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ बट ये बात याद रखेंगे, लड़कों को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं लड़कियों के मुकाबले में, लेकिन वो आगे बताएंगे हम कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। चलो अब ये तो बात होगी वज़न की, भाई वज़न पूछ ले कभी, तो हमें ये बताना है मैम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट होता कहाँ है, अगर मैं आपसे पूछूं मैम हार्ट डोनेट भी कर सकते हैं क्या, अरे थोड़ा सा रुकिए हम सब बता देंगे। सेमी लूनार कहाँ होता है, अरे रुको यार तुम लोग तो बड़े आगे जा रहे हो यार। किस उम्र में 300 ग्राम वजन होता है, ऐसा कहा जाता है जब आपका प्यूबर्टी एज खत्म हो जाता है या आप अडल्ट हो जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 300 ग्राम माना जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि लोकेशन कहाँ होता है, अगर आपसे पूछे कि हार्ट है कहाँ, तो क्या बताओगे बच्चा, दिल कहाँ होता है जल्दी बताओ। लोकेशन का मतलब है स्थान, हार्ट कहाँ होता है, तो हार्ट की लोकेशन के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे आपसे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे अभी दिखाते हैं हम आपको, कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। तुषार एक बार कमेंट नीचे करना, थोड़ा सा नीचे करना कमेंट। एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा नीचे और करिए, थोड़ा और कीजिए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करो, बस बस कोई बात नहीं छोड़ो, ये ऐसे ही एक बच्चा बोल रहा है। हाँ जी चलो अब देखो हम नेक्स्ट बात क्या करते हैं। मैंने बोला कि आपके हार्ट की लोकेशन क्या होती है, स्थान क्या होता है, तो कैसे होता है आपका हार्ट। देखो आपका हार्ट होता है चेस्ट वाले पार्ट में, जिसको हम बोलेंगे चेस्ट कैविटी। अब चेस्ट कैविटी क्या होती है, ध्यान से सुनना, चेस्ट कैविटी किसको बोलते हैं, ये आपके गले वाला पार्ट है, यहाँ से आपका पेट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो गले और पेट के बीच का ये वाला पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है। अब हम बताते हैं कि चेस्ट कैविटी में एग्जैक्ट कहाँ होता है। देखो बच्चों जब आप इस छाती, इसको हिंदी में छाती गुहा लिखेंगे, चेस्ट कैविटी लिखेंगे, इस चेस्ट कैविटी में होते हैं आपके दो फेफड़े, ऐसे आपके दो फेफड़े रहते हैं बच्चा, लंग्स, दो लंग्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो लंग होता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा, इधर वाले को लिखेंगे हम राइट लंग, इसको बोलेंगे हम दायां फेफड़ा। हमारे छाती में यहाँ पर दो फेफड़े होते हैं, ठीक है, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट। अब इन दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस है, ये जो जगह पड़ी है ना बच्चा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेडिया स्टेनम, इसको कहा जाता है मेडिया स्टेनम स्पेस। दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह पड़ी है उस जगह को हम मेडिया स्टेनम बोलते हैं, और इसी मेडिया स्टेनम में क्या होता है बच्चा, हमारा हार्ट होता है।
इसी में हार्ट होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या होती है, तो या तो ये आपके जो फेफड़े वाला पार्ट, हार्ट वाला पार्ट है, वो किस कैविटी में है, चेस्ट कैविटी में है, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, या मिलेगा मेडियास्टेनम। अब बच्चा मेडियास्टेनम का मतलब क्या है, अब सुनो ध्यान से, ये जो जब भी आप लेफ्ट वाला फेफड़ा देखेंगे ना, वो आपको ऐसा मिलेगा बच्चा, लेफ्ट लंग ऐसे बना हुआ नहीं मिलेगा। ओ कैसे चलता है इसका वो, हाँ ऐसे देखो बच्चा, लेफ्ट वाला जो है ना वो अंदर की साइड ऐसे धंसा हुआ होता है, राइट वाला फेफड़ा बड़ा होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो अंदर की साइड धंसा हुआ होता है, अंदर की साइड लेफ्ट फेफड़े के नीचे एक गड्ढा सा बना हुआ होता है, और गड्ढे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नोच बोलते हैं इंग्लिश में, गड्ढा गड्ढे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नोच। और यहीं पर ऐसे होता है बच्चा आपका हार्ट, यहीं पर आपका ऐसे दिल होता है, तो इस नोच को कहा जाता है कार्डियक नोच, और साइंस में कार्डियक का मतलब होता है हृदय और नोच का मतलब होता है गुहा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट का लोकेशन क्या है, ह्यूमन हार्ट का लोकेशन क्या है, या तो हुआ चेस्ट कैविटी, या ऑप्शन मिलेगा मेडियास्टेनम स्पेस में होता है, और मेडियास्टेनम क्या है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह है उसको मेडियास्टेनम बोलते हैं, या आपको ऑप्शन मिलेगा कार्डियक नोच। और कार्डियक नोच याद रखिएगा कौन से फेफड़े के नीचे होता है, कार्डियक नोच हमेशा लेफ्ट लंग के नीचे होता है, और ये आपका हार्ट है, ये आपका दिल है, यहाँ पर ऐसे बाहर की साइड ऐसी चोंच से निकली हुई होती है इसकी, ऐसे मुट्ठी के आकार का होता है, आपकी मुट्ठी को बंद करो। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि हार्ट का शेप क्या होता है, हार्ट का आकार क्या होता है, तो आप बताएंगे जब हम हमारी मुट्ठी को बंद करते हैं, फिस्ट मतलब मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार के जैसा, ऐसा होता है आपका हार्ट, ठीक है। तो किस किस स्पेस में, मेडियास्टेनम स्पेस में, है ना। आप पूछे कौन से नोच में, कार्डियक नोच, कौन सी कैविटी, चेस्ट कैविटी। अब बच्चा अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। उसके लिए एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको, ये कैसे दिखेगा, देखो आपको ये हार्ट कैसे दिखेगा, ये जो आपके फेफड़े, ये आपके फेफड़े बनाए हैं ना, इन फेफड़ों के ऊपर लगी हुई होती हैं पसलियाँ, रिब्स लगी हुई होती हैं, इन फेफड़ों के ऊपर लगी हुई होती हैं ऐसे पसलियाँ, आपने नाम सुना होगा रिब्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर रिब्स होते हैं, आप आंसर कीजिएगा बच्चों ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर रिब्स होते हैं, और नंबरिंग में पूछे तो 24, नंबरिंग में पूछे तो 24। हमारे बॉडी में बोलते ना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, ये एक तरीके की हड्डियां ही होती हैं, इनको आप हड्डियां भी मान सकते हैं, और ये क्या करती हैं, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करती हैं, उनके ऊपर ऐसे लगी हुई होती हैं। अब कैसे देखो बच्चा, ठीक है, अब कैसे ये रिब्स का स्ट्रक्चर बनाए, तो हम कैसे बनाते हैं, कितनी पेयर रिब्स होती हैं, 12 पेयर, टोटल 24। आपने कभी सुना है कि हमारे बॉडी में चेस्ट वाले पार्ट में रिब्स केज होता है, पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ होता है। अब वो पसलियों का पिंजरा कैसे बना हुआ होता है, वो सुनो बच्चों, कैसे बना हुआ होता है वो बात सुनो आप, देखो कैसे पसलियों का पिंजरा बना हुआ होता है। आप जब अपनी स्किन हटा देंगे ना, आप अपने बॉडी की स्किन हटा दो, तो आपको क्या दिखेगा चेस्ट वाले पार्ट में, इन फेफड़ों के ऊपर क्या डायग्राम दिखेगा, ऐसे आपको एक चेस्ट बोन दिखेगी, ऐसे टाई के आकार की, हम टाई पहनते हैं ना, टाई है ना, तो इस टाई के आकार की, या ये क्या बन रहा है, किस अल्फाबेट, अल्फाबेट के लेटर जैसा बन रहा है, आप क्या बताएंगे, वी के जैसा, ठीक है। तो ऐसे आपका वी जैसी या आपकी एक चेस्ट बोन दिखती है, लड़कों में भी एक होती है और लड़कियों में भी एक होती है, आप बनाओगे कि ऐसे हमें वी शेप में हमारी चेस्ट बोन दिखती है, छाती की हड्डी बोलते हैं इसको। अब हड्डियों के नाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हमारी जांग में फीमर होती है, कान में स्टैब्स होती है, इनकस होती है ना, तो इस हड्डी का नाम क्या होता है, इस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम, इसको बोलते हैं स्टर्नम, याद रखिएगा हमारी चेस्ट बोन या वो हड्डी जो वी आकार की है, या किसके आकार की है, किसके जैसी दिख रही है, किसके जैसी दिख रही है, टाई की जैसी। अब ये हड्डी क्यों होती है, इस हड्डी से दोनों साइड जुड़ी हुई होती हैं आपकी पसलियाँ, क्या जुड़ी हुई होती हैं बच्चा, पसलियाँ, कितनी होती हैं, 12 पेयर्स, 12 जोड़ी, 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी। अब मैंने कम बनाई हैं ये, आप 12 12 बना लेना, ठीक है, ऐसे हमारी क्या होती हैं बच्चा, पसलियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब आपको ये हार्ट कहाँ पर दिखेगा,
ये हार्ट हमें कहाँ पर दिखेगा. तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा है बच्चा? लेफ्ट. ये कौन सा है? राइट. क्योंकि साइंस ना हमेशा ऐसे मानती है. अब आप सोचोगे मैम ये तो आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट है, इधर वाला ये राइट जा रहा है, इधर लेफ्ट जा रहा है. नहीं, साइंस इसको ऐसे मानती है बच्चे. ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया. अब आपको हार्ट कहाँ पर दिखेगा? ये जो हार्ट बनाया ना मैंने बाएं फेफड़े के नीचे, ये आपको कैसे दिखेगा वो सुनो. ये हमें दिखेगा, लाल पेन से बना लो, लाल से विजिबल नहीं होगा, ब्लैक से बनाते हैं. ये दो नंबर वाली रिब से, सेकंड रिब, दूसरी पसली, और दो तीन चार पाँच छः, इसको बोलेंगे सिक्स्थ रिब. वैसे तो टोटल कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती है. मैंने 12 नहीं बनाई है, ठीक है, मैंने 12 नहीं बनाई, आपको 12 नहीं बनाना है. तो अब आपको क्या होगा बच्चा, इस दूसरी और इस छठी पसली के बीच में आपको ऐसे हार्ट बना हुआ दिखेगा. इस दूसरी और इस छठी पसली के बीच में हमें क्या दिखेगा? हार्ट बना हुआ दिखेगा, ह्यूमन हार्ट दिखेगा, हमारा दिल दिखेगा. अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो हार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 70-80% है वो किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट वाली में है. और बाकी का जो आपका 15-20% बचता है ना बच्चा, वो होता है सेंटर में. ठीक है, वो कहाँ होता है? ये बीच में है, ये बीच वाला है. यहाँ पर ऐसे आप बनाओगे ना इसको, तो ये बीच में बनेगा ऐसे. ठीक है, तो ज़्यादा झुकाव किस साइड हो गया हमारे हार्ट का? ज़्यादा झुकाव लेफ्ट साइड है. हार्ट हमारा लेफ्ट साइड नहीं होता है ना राइट होता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लेफ्ट में होता है, कुछ बोलते हैं राइट में. आप ये बताओगे कि 70-80% जो झुकाव होता है ना वो कहाँ होता है? लेफ्ट में. और बाकी का जो 15-20% हार्ट बचता है ना वो बीच वाले पार्ट में होता है, राइट में नहीं होता है. लेकिन हाँ, आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के राइट में हार्ट होता है. सुना है कभी आपने? न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. देखो बच्चा कैसे होता है. हाँ, अप्रोक्स अगर हम 70-80% की बात करेंगे तो 220-230 ग्राम यहाँ पर निकलेगा. जब आप ग्राम में निकाल लोगे इनको, ये तो मैंने परसेंटेज में लिखा है ना, और सेंटर में निकलेगा बच्चा ऑलमोस्ट 70-80%, 80 ग्राम. ठीक है, देखो आपने सुना होगा किसी फलाना इंसान के राइट में दिल है. देखो राइट में दिल नहीं है उसके, हार्ट तो उसका सेंटर में था. अब नॉर्मल कंडीशन में ये हार्ट ज़्यादा किस साइड झुका हुआ है? लेफ्ट साइड झुका हुआ है. लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा, कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान का जो सेंटर में हार्ट होता है वो राइट साइड ज़्यादा झुक जाता है, राइट साइड ज़्यादा झुक जाता है. तो इसलिए बोल देते हैं लोग कि फलाना इंसान के राइट में हार्ट है. राइट में नहीं था उसका, बना हुआ तो इस चेस्ट बोन के इर्द गिर्द ही है, लेकिन ज़्यादा किस साइड झुक गया? इस साइड. अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इसका वेट कितना होता है? मैं पढ़ा चुकी हूँ वेट, थोड़ी देर पहले बताया कि एन एवरेज आप 300 ग्राम लेके चलेंगे. तो अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट कौन कौन सी पसलियों के बीच में पाया जाता है. देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ना हार्ट की लोकेशन, तो बच्चों ध्यान से सुनना कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास. अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका आंसर कि भाई आपका ऑप्शन क्या कह रहा है. देखो या तो होगा ऑप्शन में क्या बच्चों, या तो होगा चेस्ट कैविटी, सही बात है चेस्ट कैविटी में, या होगा कार्डियक नोच. कार्डियक नोच कहाँ होता है? बाएं फेफड़े के नीचे. या होगा मीडिया स्टेनम स्पेस, या होगा कि बाएं फेफड़े के नीचे, या होगा बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब, दूसरी और छठी पसली के बीच में. और चेस्ट बोन का नाम क्या होता है? स्टर्नम. इसीलिए देखो इस चेस्ट बोन के ऊपर लगी हुई पसलियों के बीच में हमारा हार्ट है. तो एग्जाम में कभी कभी आपने सुना है कि सामने वाले इंसान के छाती पे नहीं मारना चाहिए. छाती पे इसलिए नहीं मारना चाहिए कि छाती में बीचों बीच आपकी स्टर्नम होती है. अगर स्टर्नम हड्डी पर आपने किसी को मारा तो बेचारे की स्टर्नम टूट जाएगी, और स्टर्नम टूट जाएगी तो उसका हार्ट भी क्या हो सकता है? फट सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है उसे. इसलिए किसी की स्टर्नम पर मारना नहीं चाहिए, इसलिए किसी की स्टर्नम पर मारना नहीं चाहिए. ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे. ओके चलो, ये हमें डायरेक्शन पता चल गई हार्ट की, लोकेशन पता चल गई, वेट पता चल गया, कैसा ऑर्गन है ये पता चल गया. अब हम बात करेंगे कि हार्ट जो है वो दिखता कैसे, आकार कैसा होगा? बंद मुट्ठी के आकार के जैसा, बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होगा. अब हम बात करेंगे बच्चा कि ये जो हमारा हार्ट होता है ना, इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है. जब मैं हार्ट बनाऊँ ना तो ऐसे बनाऊँगी, इसके ऊपर कवरिंग लगी हुई होती है. और इन कवरिंग से क्वेश्चन आ जाता है, ये तो आपका हार्ट हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे कवरिंग बनी हुई होती है, ऐसे आवरण बना हुआ होता है.
तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, जो आवरण होता है, उसका नाम क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं साउथ की मूवी में कि किसी के छाती पर मारने से इंसान की डेथ हो सकती है, बिल्कुल सही बोलते हैं वो। ठीक है, सुनो आप देखो बच्चा, कवरिंग का मतलब होता है बच्चा आवरण। आवरण का नाम क्या होता है, इसके आवरण का नाम होता है पेरिकार्डियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेरिकार्डियम कहाँ होता है, तो आप बता देने का कि पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम हम बोलते हैं हमारे हार्ट के चारों तरफ जो एक लेयर पाई जाती है, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जो क्या देने का काम करती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करती है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है ना, ये भी बच्चा दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आगे मैंने ये बनाया ना, इसको दिखा दो पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम है। लेकिन ये पेरिकार्डियम एक लेयर नहीं है, ये दो से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी, तो एक नंबर पे लिखो फाइब्रस, एक नंबर पे लिखो फाइब्रस, हिंदी में बोलते हैं रेशेदार, रेशेदार आवरण या रेशेदार परत बोल सकते हो आप इसको। और दूसरी होती है सिरोसिस, सिरोस, दूसरी होती है सिरोस, दूसरी लिखेंगे सिरोस। ठीक है, आप कौन सी फाइब्रस होती है, हाँ पेरिकार्डियम बिल्कुल, आयोटा कौन बोल रहा है, आयोटा अलग चीज होती है बच्चा, आगे बताएंगे हम। एक हो गया फाइब्रस, एक होती है सिरोस लेयर। अब देखो बच्चा, ठीक है, अब देखो कौन सी होती है, इस पूरी कवरिंग को बोलेंगे हम तो इसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। अब इस पेरिकार्डियम में अंदर की साइड ऐसे फाइबर की फॉर्म में जो लेयर होती है ना, फाइबर का मतलब होता है रेशे, ऐसे रेशेदार बना दो आप ऐसे, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इस लेयर को बोलेंगे हम क्या, फाइब्रस पेरिकार्डियम, या बोल देंगे रेशेदार आवरण। इसको दिखा दो आप, ब्लैक कलर के पेन से दिखा देती हूँ मैं, क्या फाइब्रस। ठीक है, अब इस फाइब्रस के अंदर की साइड एक टिश्यूज़ की लेयर होती है, ऐसे स्क्वैमस टिश्यूज़ बोलते हैं इनको, टिश्यू के चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको आगे, स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्वैमस टिश्यू। ये जो सिरोस लेयर होती है वो स्क्वैमस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। आप ये भूल जाओ स्क्वैमस वगैरह क्या होते हैं, आगे हम आपको पढ़ा देंगे, ऐसे स्क्वैमस टिश्यूज़ की एक लेयर बनी हुई होती है, ये है आपकी स्क्वैमस लेयर, सॉरी स्क्वैमस टिश्यू से बनी हुई सिरोस लेयर है ये। ये कौन सी लेयर है, सिरोस। अब जब मैं अंदर वाले की बात करूंगी ना, ये आपका पहले मैंने जो इसको हटाना होगा, ये आपका आपका, अभी रुको, अब हम बनाते हैं अंदर वाला, ये आपका अंदर में, इसमें इसके अंदर आपका हार्ट होता है। ये जो सिरोस लेयर होती है ना, वो दो लेयर में बंटी हुई होती है, एक तो ये वाली है फाइब्रस के साथ जुड़ी हुई, और एक जो आपका हार्ट है ना, उसकी जो मसल्स हैं उसके बाहर भी लगी हुई होती है, ऐसे ऐसे एक और लगी हुई होती है सिरोस। क्या याद करेंगे आप कि एक हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं ना, जिनको हम कार्डियक मसल बोलेंगे, उनसे भी जुड़ी हुई होती है। तो सिरोस, ये भी है सिरोस लेयर और ये भी है सिरोस लेयर। अब सुनो बच्चों, इस लेयर को इन तीनों को मिला दोगे तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। ठीक है, हिंदी की स्टडी को क्या कहते हैं, हार्ट की स्टडी को पढ़ा चुके हूँ, कार्डियोलॉजी कहते हैं। देखो फिर सुनो एक बार, मैंने बोला कि हमारे हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब पेरिकार्डियम जो है वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, दो परत से, एक होती है फाइब्रस, फाइब्रस होती है वो आउटर वाली होती है, फाइबर के फॉर्म में बना दी मैम ने, और सिरोस लेयर दो होती हैं। सिरोस कौन कौन सी होगी, एक तो फाइब्रस के अंदर की साइड है और एक हमारा हार्ट का जो सबसे बाहरी आवरण है, हार्ट का जो सबसे बाहरी आवरण है मतलब जो कार्डियक मसल्स के बाहर भी लेयर लगी है, वो सिरोस लेयर लगी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और जब इन तीनों लेयर की बात करेंगे ना बच्चा, तब हम क्या बोलेंगे इसको, तब हम बोलेंगे पेरिकार्डियम लेयर। अब आपको एक एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, वो याद कर लो, ये सिरोस लेयर
और ये सीरोस लेयर, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है. क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है. और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, आप बताओगे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. हिंदी में पेरिकार्डियल, या आप बोल दोगे हृदय का तरल पदार्थ, आप पेरिकार्डियल तरल पदार्थ लिख लो, पेरिकार्डियल तरल पदार्थ. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बच्चा कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो कौन कौन सी लेयर के बीच में है. आपको एक ही आंसर देना है कि ये भी सिरोस है, ये भी सिरोस है, इसके बीच में जो भरा हुआ होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है. अब जिन मसल से हमारा हार्ट बना हुआ है, जैसे ये वाली मसल है, इस मसल को बोलेंगे हम कार्डियक मसल, इसको बोलेंगे हम कार्डियक मसल, और हिंदी में बोलेंगे हम हृदय की पेशी, हिंदी में बोलेंगे हृदय की पेशी, क्योंकि कार्डियक का मतलब क्या बताया मैम ने, हार्ट. अब एक बार फिर डिटेल में सुन लो, कभी कभी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो क्या क्या बताएंगे हम आपको. सबसे पहला आप बताओगे हमारे हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग लगी हुई होती है, जो हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन देती हैं, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है. ये पेरिकार्डियम एक्चुअली तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो आउटर होगा और जो नंबर में एक होगा वो फाइब्रस होगा, और दूसरी जो लेयर होती है उसको सिरोस लेयर बोलते हैं, और वो दो होती हैं. एक तो इस फाइब्रस से अंदर की साइड जुड़ी हुई होती है, और एक हमारा हार्ट जिन मसल से मिलकर बना हुआ होता है उनको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, और एक कार्डियक मसल के चारों तरफ लगा हुआ होता है, एक कार्डियक मसल के चारों तरफ लगा हुआ होता है, उसको सिरोस लेयर बोलते हैं. तो सिरोस दो हो गई, फाइब्रस एक हो गई, जब इन दो और तीन को जोड़ोगे तो पेरिकार्डियम बनेगा. अब ये जो कार्डियक मसल के चारों तरफ सिरोस है, और ये जो फाइब्रस के अंदर की साइड सिरोस है, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, उसका फंक्शन आगे बताएंगे आपको, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं. तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये सब किससे रिलेट करता है? यस सोनो, दिस इज लाइव क्लास, ये सब हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, ये सब हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है. तो ये आपका हार्ट. अब क्या होगा, अब ये हार्ट हमारा अंदर से चार चैम्बर में, चार भागों में बंटा हुआ होता है. कितने चैम्बर में? चार चैम्बर में बंटा हुआ होता है. चैम्बर का मतलब है एक दो तीन चार पार्ट, और आपस में जुड़े हुए होते हैं मसल्स के थ्रू. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, अलग से बना दूँ इसको? अब ये कवरिंग वगैरह आपको समझ में आ गई, अब हम अलग से बनाते हैं इसका डायग्राम. तो आप लिखोगे जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? फोर चैम्बर्स होते हैं. कितने चैम्बर्स बच्चा? चार चैम्बर्स का मतलब है यहाँ पर कोष्ठक. तो हमारा हार्ट जो है उसके, उसको बोलते हैं चतुकोष्ठक. ये चतु का मतलब होता है चार. ठीक है मैम, रीजनिंग की क्लास चल रही है क्या? नहीं, अभी नहीं चल रही बच्चा रीजनिंग की क्लास. मैम हार्ट में कितने लीटर ब्लड की जरूरत होती है? आप लोगों में पेशेंस नहीं होता है क्या? हाँ, कभी कभी कोष्ठक को कक्षक भी बोल देते हैं यहाँ पर. ठीक है बच्चा, कक्ष या कक्षक. ये हमारा हार्ट, जब हम हार्ट का डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसे रफली आपका एक डायग्राम ऐसे बना लो. तो हमारा हार्ट जो है बच्चा, ये ना ऐसे चार भागों में बंटा हुआ होता है. अब कौन बांटता है चार भागों में? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हार्ट के अंदर सिर्फ क्या होती हैं? मसल्स. तो एक मसल क्या हुआ बच्चा? ऐसे निकली, ऐसे एक बार, और एक बार यही मसल ऐसे निकल गई, तो कितने भागों में बंट गया? चार भागों में बंट गया. अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि उस मसल का नाम बताओ जो हमारे हार्ट को चार भागों में बांटती है या चार चैम्बर में डिवाइड करती है. तो उस मसल का नाम आप क्या लोगे बेटा? इस मसल का नाम लिखो सेप्टम. इसको बोलते हैं हम सेप्टम. क्या नाम लिखोगे? सेप्टम. नाम लिख दो इसका सेप्टम. ये मसल का नाम है जो हमारे हार्ट को चार कोष्ठक में बांटती है. 1 2 3 4. तो कितने कोष्ठक हो गए हमारे हार्ट में? चार. ठीक है, अब इन चारों के नाम होते हैं बच्चा. अब हम इनको नाम देंगे, फिर आपको बताएंगे कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. जो दो ऊपर वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम आट्रियम. या तो बोलो आप इनको इंग्लिश में आट्रियम, या इनका एक नाम और होता है ओरिकल. ओरिकल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बड़ा इजी है, आलिंद बोलते हैं.
ऊपर वाले दोनों चैम्बर आट्रियम या ओरिकल या आलिंद कहलाते हैं। तो ये भी क्या हो गया बच्चा, ये वाला भी क्या हो गया, ओरिकल हो गया, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, आट्रियम बोल सकते हैं, ठीक है, आट्रियम। नीचे वाले को कहा जाता है वेंट्रिकल्स, नीचे वाले को कहा जाता है वेंट्रिकल्स, और हिंदी में बोलते हैं नीले। ये भी क्या है, ये भी वेंट्रिकल, ये भी क्या है, वेंट्रिकल है। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया कि साइंस में ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो इसको बोलेंगे हम कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और हिंदी में क्या हो जाएगा, बायां नीले, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट आट्रियम, हिंदी में क्या हो जाएगा, बायां आलिंद, हिंदी में क्या हो जाएगा बच्चा, बायां आलिंद। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगी जो बोल रहे हैं ना बच्चा। हाँ, ये सिरोसिस, इनमें भी जो आप क्या कह रहे हैं मैम, बेटा सिरोसिस नहीं होगा, सिरोस होगा, मैंने वो गलत प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। तो सिरोस भी मसल्स का बना हुआ होता है, हाँ, टिश्यूज होते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो, तो ये कौन सा हो गया, बायां आलिंद, बायां नीले, इसको लिख दो राइट आट्रियम, दायां आलिंद, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, राइट वेंट्रिकल, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, दायां नीले। तो आप बताओगे हमारे हार्ट में एक सेप्टम नाम की मसल निकलती है, और वो मसल क्या करती है, हमारे हार्ट को चार भागों में बांट देती है, चार भागों में बांटती है, बराबर नहीं बोलेंगे, चार बराबर भाग नहीं होते हैं बच्चा, ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं दोनों, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, ऊपर वाले को आट्रियम या ओरिकल बोलेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले, ये लेफ्ट ओरिकल, ये आपका राइट ओरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, और ऐसे आपके चार नाम हो गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाले चैम्बर बड़े होते हैं या नीचे वाले चैम्बर, साफ साफ लिखा है मैंने, नीचे वाले चैम्बर बड़े होते हैं। अब पूछ ले कि इनमें भी सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लार्जेस्ट चैम्बर भी है सबसे, ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ गया, ठीक है, लार्जेस्ट भी होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चा, मजबूत होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वही चैम्बर है जिससे खून बाहर जाकर हमारे सारे ऑर्गन्स के बीच में जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है। वैसे दोनों ही नीचे वाले बड़े होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले ओरिकल्स छोटे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से खून बाहर निकल के हमारे सारे ऑर्गन्स के बीच में जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि अंदर की साइड यहाँ पर मसल्स की मोटी सारी परत होती है, ताकि ये अगर किसी दिन इसके अंदर ज़्यादा ब्लड आ गया तो ये फटवट ना जाए, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं कुछ बातें बता रही हूँ, कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ हमारे हार्ट के, याद रखिएगा, बाद में एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी भी सारी चीजें। अब बच्चों आपको दो बातें याद रखनी है, सबसे पहला हमारे हार्ट में दो बार खून आता है और दो बार बाहर जाता है, इसीलिए हमारा सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे हार्ट में दो बार खून आता है और दो बार बाहर जाता है। कैसे आता है, ध्यान से सुनो, फिर हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बस अभी सिर्फ सुन लो। सबसे पहले हमारे हार्ट में यहाँ से खून एंटर करता है, यहाँ से खून प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ से खून प्रवेश करता है, यहाँ से नीचे आता है, इसमें इसमें आता है, अब यहां से बाहर जाता है, अब यहां से बाहर कहां जाएगा, तो याद रखिए हमारे फेफड़ों तक जाता है, ठीक है। अब क्यों जाता है, कैसे जाता है, सब हम बताएंगे आपको, ठीक है, हाँ मैं मछली का भी बताऊंगी, रुक जाओ, सब बताएंगे, ठीक है। यहां से आया, एक बारी एंटर किया, यहां से बाहर निकल गया, एक बारी बाहर गया, अब इन फेफड़ों में प्योर होने के बाद फेफड़ों से आता है इस चैम्बर में, वापिस एंटर किया हार्ट के अंदर खून, एक बार यहां से एंटर किया, एक बार यहां से एंटर किया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा, यहां का खून यहां आता है और यहां से बाहर जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ओरिकल्स में खून अंदर आता है, वेंट्रिकल से बाहर जाता है। दो बार खून अंदर आया, दो बार बाहर गया,
इसलिए हमारे हार्ट में खून का कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। नहीं अभी नहीं सोनू, बाद में कर लेना। याद रखिएगा, हमारे हार्ट में दो बार खून आया, दो बार गया। कैसे आया, कैसे गया, क्यों गया, सब समझाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। दो बार आया, दो बार गया। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि हमारे हार्ट में सबसे पहले जो ब्लड एंटर करता है वो कौन से चैम्बर में करता है। याद रखिएगा, सबसे पहले कौन से चैम्बर में आता है, राइट आट्रियम में आता है, राइट ओरिकल में आता है, दाएं आलिंद में आता है, ठीक है, दाएं आलिंद में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे हार्ट के चार चैम्बर हैं, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वाले, ये राइट वाले। उसके बाद दो बार खून आता है, दो बार बाहर जाता है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक कह रहे मैम सेमिनार वॉल्व क्या होता है, अरे रुको यार, हम सब समझाएंगे, थोड़ा तो पेशेंस रखो आप, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या समझाएंगे हम आपको, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, आप मेरे को मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिए। फिर जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपको लगे कि मैम ने ये चीज़ छोड़ दी और आपको ज़्यादा आता है वो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब बनाइए वापस, आप एक बार हार्ट बनाओ वापस, ठीक है। ये बना दिया, ये सेप्टम होगी, यस मैम। ये आपके चार चैम्बर हो गए, यस मैम। अब मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, कभी भी मैं इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, ठीक है। इसको क्या लिखूँ जल्दी बताओ, LA का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, बायां आलिंद। इसको क्या लिखूं बच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल, LV। अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगी, कभी कभी हिंदी में भी ये इंग्लिश टर्म आपको याद होनी चाहिए हिंदी वालों को। इसको क्या लिखेंगे हम, RA, राइट ओरिकल। इसको क्या लिखेंगे हम, राइट वेंट्रिकल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं समझाने जा रही हूँ, वो मैं समझाने जा रही हूँ क्या आपको, कि हमारे हार्ट के अंदर कुछ दरवाजे होते हैं। अरे मैम दरवाज़ा, हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे हार्ट में दरवाजे होते हैं। अब आप सोचेंगे दरवाज़ा कैसे होता है। देखो बच्चा, आप कभी मॉल गए होंगे शॉपिंग करने, तो बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो आप जाते हैं तो जैसे ही आपका पैर रखा जाता है, तो सौरभ ले लूँगी डाउट, बच्चा आप नोट करके रखो, सारे डाउट होंगे, डोंट वरी। आज आप अपने डाउट मुझसे लास्ट में 15 मिनट में पूछ भी लेना सौरभ, ठीक है। देखो बच्चा क्या होता है, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ये गेट लगा हुआ होता है, ऑटोमेटिक गेट होते हैं, अपने पैर रखा, वो सेंसर से वो उसको ले लेता है, गेट खुल जाता है, आप जब जाते हैं गेट बंद हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। ऐसे ही जब कोई चीज़ आती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, नहीं आती तो बंद हो जाती है। ऐसा के ऐसा हमारे हार्ट में जो दरवाजे होते हैं उनको हम दरवाज़ा थोड़ा ना बोलेंगे, उनको हम वॉल्व बोलते हैं, वॉल्नी बोलते हैं। रामा शंकर लिख रहे हैं वॉल, वॉल का मतलब दीवार होता है बच्चा, मैं यहाँ पर दरवाजे की बात कर रही हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कपाट। अब कपाट कोई हिंदी टर्म तो है नहीं, कपाट इज ए संस्कृत टर्म, कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। अब ये वॉल्व कहाँ होते हैं, कभी आपने सुना है मैंने मेरे दिल का ऑपरेशन करवाया उसमें छल्ले डले नए, वो छल्ले यही होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं और कितने होते हैं, आप याद रखोगे हमारे हार्ट में चार वॉल्व होते हैं, कभी कभी बुक्स में यहाँ पर तीन भी होते हैं, हम बताएंगे कि तीन भी क्यों लिखे हुए होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बच्चा कहाँ कहाँ होते हैं, ये राइट ओरिकल है, मैंने अभी बोला राइट ओरिकल से ब्लड आता है या जाता है, आता है, आता है ना, तो राइट ओरिकल में ब्लड आया, आने के बाद राइट ओरिकल की कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ क्षमता होती है, जितनी कैपेसिटी है इसकी ब्लड लेने की वो उतना ब्लड ले लेगा। उसके बाद क्या होता है बच्चा, ये राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे तीन वाल्व बने हुए होते हैं, तीन कपाट, तीन दरवाजे बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड यहाँ आया, ऐसे ब्लड है, अब ये भर गया, भरने के बाद क्या होगा बच्चा, ये वॉल्व की ओपनिंग हो जाएगी, ये यहाँ से ऐसे खुल जाएंगे। अच्छा कैसे चलता है ये रफ वाला कर दो, तो यहाँ से आप समझ लो, ठीक है। ओ अब पूरा ही हो गया यार, हद है यार इस बोर्ड के आगे, तो पूरा थोड़ा ना करना था मुझे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चा, ऐसे तीन वाल्व बने हुए होते हैं, इनकी ओपनिंग हो जाएगी जब ये भर जाएगा तब, तो यहाँ का ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो ब्लड की डायरेक्शन दे रहे हैं ये, भाई यहाँ पर ब्लड था, ये भर गया, ये खुल गए, तो ऑटोमेटिकली ऊपर से क्या हो गया, ब्लड नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, आपसे कभी पूछ ले कि इस ब्लड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम इस ब्लड की डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे, यस मैम बिल्कुल लिखेंगे, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे जाता है खून। अब ये कितने वॉल्व हैं,
तीन, तो इनका नाम लिखेंगे हम, इनको बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व. क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व. और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे त्रिकपर्दी कपाट, त्रिकपर्दी कपाट. ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिकपर्दी कपाट, हो गया. दूसरा बच्चा, अब आओ इधर की साइड. जब इधर आएंगे हम तो इधर बने हुए होते हैं दो, दो हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दो को क्या नाम देंगे? ब्लैक से लिखा है ना, ब्लैक से लिखते हैं. दो को क्या नाम देंगे? बाइकस्पिड वॉल्व. भाई तीन को ट्राई बोलते हैं तो दो को बाई बोलेंगे. और हिंदी में बोल देंगे द्विकपर्दी कपाट. क्या बोलेंगे? द्विकपर्दी या बाइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, अब देखो मैम प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है. सुमन, क्या आपने प्लाज्मा की क्लास की है? की है तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था बच्चा, बार बार थोड़ा ना बताएंगे. ठीक है, बाइकस्पिड. अब इस बाइकस्पिड को एक नाम से और जानते हैं बच्चा, कभी आप लिखे ना तो माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं माइट्रल वॉल्व क्या होता है, आप सोचोगे माइट्रल वॉल्व तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं. हिंदी में सेम नाम है माइट्रल, आप सोचोगे कि मैम ने माइट्रल तो कुछ बताया ही नहीं. तो याद रखिएगा माइट्रल वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व एक ही होता है. ठीक है, अब ये तो हो गए दो. अब ये कैसे काम करते हैं? भाई मैंने अभी बताया ब्लड है जो है वो यहाँ से आएगा तो ये भर जाएगा तो खुल के यहाँ चला गया. ठीक है, अब यहाँ से आएगा खून तो ये भर जाएगा तो ये वॉल्व खुल जाएंगे, इनकी ओपनिंग हो जाएगी और सारा खून कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. तो ये भी क्या काम कर रहे हैं? ब्लड को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं. यस, तो यहाँ से भी ब्लड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड ही होगी. तो याद रखिए हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता है. अगर अपवर्ड हो जाता है ना किसी इंसान का तो समझ जाओ इंसान गया ऊपर, इंसान ऊपर गया. क्यों गया आगे बताएंगे. ठीक है, पांच वॉल्व होता है मैम. पांच कहाँ से पढ़ लिया बच्चा? इसी का दूसरा नाम है इसलिए पांच बन गए होंगे. अब चलते हैं हम नेक्स्ट. अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा कि तीसरा वॉल्व कहाँ होता है. ये कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल. इसके अंदर एक ऐसे हाफ वॉल्व होता है, ये तो कंप्लीट था ऐसे बनाया मैम ने, और इस हाफ वॉल्व का नाम लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम सेमी लूनार वॉल्व. क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वॉल्व. और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अर्ध चंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा बना हुआ कपाट. क्यों होता है, काम क्या है, सब समझाएंगे आपको, अभी तो सिर्फ लिख लो. इसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वॉल्व. कौन से चैम्बर में है ये? राइट वेंट्रिकल. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेमी लूनार वॉल्व कौन से चैम्बर में होता है, आप क्या बताओगे? राइट वेंट्रिकल बोलने का मतलब दाएं नीले में होता है. अब चौथे चैम्बर की बात करते हैं कि चौथा वाल्व की बात, चैम्बर नहीं सॉरी वाल्व की बात करते हैं. चौथा वाल्व कहाँ होता है? तो उसके लिए ध्यान से सुनो, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इससे हमारी एक बहुत बड़ी आर्टरी, एक ब्लड वेसल जुड़ी हुई होती है. और उसी ब्लड वेसल्स के यहाँ पर, ये नाम छोड़ दो इसका, नाम वाम हम सब बाद में पढ़ाएंगे, यहाँ पर एक वॉल्व होता है ऐसे कपाट, इसको बोलते हैं आयोटिक वॉल्व. इसका नाम लिखो, इसको बोलेंगे हम आयोटिक वॉल्व या ओटिक वॉल्व, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं. हिंदी में बोलेंगे आयोटा कपाट, हिंदी में आयोटा का कपाट या आयोटा कपाट लिख लीजिए. तो ये चार वॉल्व होते हैं, फंक्शन सब समझाएंगे हम. ठीक है, अब सिर्फ आप सब सुनते जाओ, है ना, सिर्फ आपको अभी सुनना है, हम सब बताएंगे. ठीक है, ओटिक या आयोटिक वॉल्व बताएंगे इसको, ओटिक या आयोटिक वॉल्व. ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा? ये हमारे हार्ट के चार वॉल्व हो गए. अब कभी कभी ना बुक्स में लिखा जाता है, एक बच्चा पूछ रहे मैम वाल्व किसके बने हुए होते हैं. मैंने आपको बहुत साफ भाषा में समझाया कि हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो हार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ पढ़ाऊंगी वो सब मसल्स की बनी हुई होंगी. ठीक है, ठीक है बच्चा, आप सुनो ध्यान से. कभी कभी इस आयोटिक वॉल्व को काउंट नहीं करते हैं. अब एक बच्चा बोल रहा है मैम मेरे फ़ोन की बैटरी 10% है, जल्दी फिनिश कर दो. भाई आपकी प्रॉब्लम है, आपके फ़ोन की बैटरी 10% है, मैम की नहीं है बच्चा. ठीक है, चलो मैम टाइम हो गया, सोना है बस. हाँ अभी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, हमारा भी थोड़ा तबीयत खराब ही है, बस थोड़ी देर रुको, है ना, फिर छोड़ देंगे आपको जल्दी ही. कल 11 बजे क्लास होगी बच्चा, कल 11 से 1 होगी, 2 घंटे में. ठीक है, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है तो कल हम कल 11 से 1 में ही रखेंगे. कल डॉक्टर के जाना है एक्चुअली, मुझे आजकल बहुत वीकनेस सी लग रही है, तो थोड़ा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. मैं अपना शुगर लेवल चेक करवा के आती हूँ, मुझे थोड़ा शुगर के थोड़े से मेरे में सिम्टम्स दिख रहे हैं इसलिए. ठीक है, चलो आप पढ़ो. देखो कभी कभी एग्जाम में ना इस वॉल्व को, एग्जाम में नहीं बुक्स में काउंट नहीं करते,
कभी कभी इसको बुक्स में काउंट नहीं करते हैं आयोटिक वालों को, ठीक है। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, अगर चार आएगा तो चार आंसर देना है, चार ऑप्शन में नहीं हो, एक दो तीन जीरो हो तो आप तीन भी लेकर से दे सकते हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चा, नेक्स्ट नेक्स्ट याद रखिएगा, आप देखो हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, दो मिनट की बात, दो मिनट के लिए सुनिए आप। मैंने पढ़ाया कि हमारे हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं और चार ही वॉल्व होते हैं, चार चैम्बर, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। चार वॉल्व कौन कौन सा, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड को माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, आयोटिक वॉल्व एंड सेमी लूनार वॉल्व। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ट्राइकस्पिड कहाँ होता है तो क्या बताओगे, बिटवीन राइट ओरिकल एंड बिटवीन राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं नीले में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट वाले डायरेक्शन में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब इधर लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा है, बाइकस्पिड है, ठीक है। और फिर पूछे कि आपका सेमी लूनार वॉल्व कहाँ होता है, आप बताओगे राइट वेंट्रिकल में। आयोटिक वॉल्व जहाँ आयोटा होता है और आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ठीक है, अब मेरा बात सुनो। नेक्स्ट, हमारे बॉडी में दो टाइप का ब्लड होता है, हमारा जो शरीर होता है ना उसमें दो टाइप का खून होता है। अब वो कौन कौन सा खून, तो एक बारी में मेरा थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप एक चीज़ को। हमारे बॉडी में दो टाइप का खून होता है ब्लड, एक ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो उस खून को बोलते हैं हम, या तो बोलोगे प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर, या आप उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ऑक्सीजन युक्त रुधिर, या तो बोलो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। दूसरी साइड होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और उसको बोलते हैं हम इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर, या उसको बोलते हैं हम बच्चा क्या, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि खून खराब हो गया, इम्प्योर का मतलब है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है, दो टाइप का है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एक ऐसा जिसमें ऑक्सीजन, एक इसमें CO2। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, कि हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर होता है और कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर होता है, उस बात को यहाँ सुनो। देखो एक बात हमेशा हमेशा के लिए मेरी बात नोट कर लो कि हमारे हार्ट की लेफ्ट वाले डायरेक्शन में हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। अब ऑक्सीजन वाले का मतलब क्या हो गया, प्योर हो गया, है ना, प्योर हो गया। और राइट वाले में CO2 का होता है तो CO2 का मतलब क्या हो गया, इम्प्योर। तो याद रखो कि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा प्योर ब्लड होता है, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना ध्यान से, अगर आपको क्लास समझ में आई होगी तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दे पाएंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन से वॉल्व हैं जिनसे इम्प्योर ब्लड जाता है और कौन कौन से वॉल्व हैं जिनके थ्रू प्योर ब्लड जाता है। मुझे जल्दी से आप आंसर दीजिए, दो मिनट हैं आपके पास। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला है, शिवांग, मुकेश, अंशु, शिविका, आशीष, हितेश, हितेश ने भी सही बताया, वीरेंद्र आपने गलत आंसर दिया है, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे इसका मतलब।
बताओ आंसर दो। देखो अब देखो बच्चा, मैं आंसर देती हूँ आपको, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। देखो अगर पूछे कि कौन कौन से वाल्व से इम्प्योर रह जाता है और कौन कौन से प्योर जाता है, तो इम्प्योर वाला एक तो कौन सा हो गया, ट्राइकस्पिड, और एक कौन सा हो गया, SLV, सेमी लूनार वाल्व। अगर आप पूछे कि प्योर किस किस से जाता है, तो प्योर एक तो बायकस्पिड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आयोटिक वॉल्व हो गया, आयोटा वाला वॉल्व हो गया। बस ये एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी वॉल्व चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वॉल्व अभी हम पढ़ाएंगे कि कैसे साउंड आती है, अब नॉर्मल सब पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ आप। ठीक है चलो, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा आप जल्दी से बताओ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ तक, अभी आगे हम ब्लड वेसल्स की सब बात करेंगे, ठीक है। हाँ आपका सही था पूनम, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। देखो आज की क्लास में हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, ब्लड को पंप करता है, उसकी लोकेशन, उसकी डायरेक्शन, उसके बाद हाँ लबडब सब बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, हम सब सिखाएंगे आपको, आपके दिल का हम पूरा ऑपरेशन कर देंगे, सारा कुछ बता देंगे, है ना। मैम आप बिहार से हो क्या? नहीं मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों में मैंने हाँ और हम बोलना सीख लिया, इसलिए आपको लगता होगा कि मैम मेरा नाम ले लीजिए, पापा को अटेंडेंस दिखाना होता है। ओ सुनील कुमार मौर्य के पापा तो बड़े चंट निकले, ठीक है। तो हार्ट का लोकेशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, उसके बाद हार्ट में आपका कौन सा चैम्बर बड़ा होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद हार्ट के वॉल्व पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ेंगे बच्चा 11 से 1 की क्लास में, कल हम पढ़ेंगे कि किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एम्फीबियन में कितने होते हैं, फ्रॉग में कितने होते हैं, व्हेल मछली में कितने होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में कि कैसे वेसल्स हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी, जब ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर बताऊँगी कैसे आपका कार्डियक साइकिल काम करता है, कैसे आपकी एक हाँ पेरिकार्डियल फ्लूड सबके फंक्शन लिखाऊंगी, थोड़ा रुको तो सही यार। फिर आपको बताऊंगी कैसे आपका हार्ट बीट बनता है, ठीक है। अभी तो बहुत नए नए टर्म आएंगे यहाँ पर, बंडल ऑफ हिंस, आपका एवी नोड, ऐसे नोड, बहुत नए नए नाम आएंगे, बस आप इतना याद रख लीजिए, आज की क्लास में इतना बहुत है, ठीक है। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। अभी YouTube पे पता नहीं मैं क्लास लूँ या नहीं, मेरे को आज बहुत वीकनेस भी लग रही है, बारिश में भीगने के बाद ऐसा हो रहा है आज। मैम आज आपकी वॉइस, एंजियोप्लास्टी क्या होता है बताएंगे आपको, एंजियोप्लास्टी क्या होता है वो भी हम समझाएंगे। आज बारिश बहुत, अभी भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। मैम हार्ट डीप में ऐसा पढ़ा दो कभी समझ में नहीं आया, सब आएगा। अभी कुछ नहीं पढ़ाया, वो तो मैंने बस आपको आउटर बताया, कम से कम मैं ब्लड प्रेशर, आपको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, बीपी हाई होना, लो होना, सब पढ़ाएंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है। चलो मैम काढ़ा पी लो, अरे आज हो गया जुकाम, बारिश में भीग गए हम इसलिए हो गया। मैम लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती आजकल, तो आने लग गई लाइव क्लास की नोटिफिकेशन। लंग्स का वेट कितना होता है, लंग्स होते हैं अप्रोक्स 1.3 to 1.5 किलोग्राम के दोनों मिला के, ठीक है। मैम आप योगा करते हैं कि नहीं करते हैं, रितेश नाम ले लिया मैंने आपका, नहीं मैं योगा नहीं कर रही हूँ आजकल, सब छूट गया है, पता नहीं यूट्यूब का, हाँ ECG सब बताएंगे, तुम लोगों में पेशेंस नहीं है, ठीक है। रितेश ले लिया मैंने, हाँ जो आप वो बोल रहे हैं ना कि रिंग डलवाने वाला, वो भी बताएंगे हम, छल्लो इनको ही बोलते हैं, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम कल की क्लास में, आज की क्लास इतना ही है। मैम आप डॉक्टर खुद हैं, डॉक्टर से क्या मिलेंगे, अरे डॉक्टर तो डॉक्टर इलाज करेंगे ना हमारा, एंटीबायोटिक लाएंगे हम डॉक्टर से। कल 11 बजे क्लास होगा बच्चा, 11 बजे लहसुन खाइए, अच्छा ठीक है। नहीं सोनम अभी कोई ऑफर नहीं है महासंगम बैच में, नहीं 10 बजे क्लास आज मुझे ऑफ करनी ही पड़ेगी मेरे, शायद मैं यूट्यूब वाली नहीं ले पाऊंगी आज भी। चलो मिलते हैं आप कल, मिले चलो बाय। अरे बहुत बढ़ाऊंगी अभी मैम, आप मोटे हो गए, सब लोग यही बोलते हैं हम मोटे हो गए, अब क्या करें हम, कुछ काम दाम है नहीं, ठीक है। अभी मैं बहुत पढ़ाऊंगी, अभी मैं 7-8 घंटे और पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, हार्ट वाले को, पेस मेकर, नेचुरल, आर्टिफिशियल सब बताएंगे, रुको बाय। तुम लोगों से मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, कभी कभी तुम लोग सुनते नहीं हो बस मेरी, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, कल 11 बजे आना ना भूलना। कल मैं 11 बजे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी 2 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो मैं वो आपकी क्लास लेके डॉक्टर के पास चली जाऊँगी, है ना, ठीक हो जाऊँगी कल ठीक हो जाऊँगी, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं कल, बाय। चलो बच्चा कल मिलते हैं।